नमस्कार, वेलकम टू कैंप शिक्षा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016 पेपर, आईआईटी एडवांस 2016 पेपर, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, कह रहे सीसीपी अरेंजमेंट में आपको ये सब बातें बतानी है। काफी सारे बच्चों को शायद हो सकता है यही ना पता हो सीसीपी क्या होता है, तो सीसीपी में आपको बता दो, एफसीसी को ही सीसीपी भी बोलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपसे ये कह रहा है कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन बताना है, उसके ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताने हैं, आर और ए में आपको रिलेशनशिप बताना है, और ये बताना है कि उसका टॉप मोस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, नियरेस्ट एटम कितने होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए समझाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखना जरा। शायद आपने एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम देखा होगा जिसमें आपको क्या दिखाता है, जिसमें आपको दिखाता है कि एफसीसी कब बनता है। एफसीसी तब बनता है जब आपके पास ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ए बी सी, ए बी सी, इस टाइप के अरेंजमेंट होते चले जाते हैं। मतलब कैसे, आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास इस तरह से हेक्सागोनल टाइप एक लेयर है, उसके ऊपर आपने क्या करा, तीन एटम की लेयर इसके ऊपर लगा दी। तो ये तीन एटम इसके ऊपर लगा दिए, इसके ऊपर ये इन्वर्टेड वाले तीन एटम इसके ऊपर लगा दिए, और फिर उसके बाद फिर से ये सिक्स एटम वाली लेयर आपने यहाँ पे लगा दी। तो अगर आप देखोगे तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी अरेंजमेंट करते जाते हैं, तब जाके कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता है और ये एफ सी सी का रूप ले लेता है। तो मतलब आपको ये बात तो पक्का पता होना चाहिए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी अरेंजमेंट जब भी होंगे तो आपका एफसीसी बनेगा। तो फिलहाल आपसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है जो टॉप मोस्ट लेयर है क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का तो 12 ही होता है। कुछ बच्चे इसको टिक लगा के आ गए, इसको सही बोला, लेकिन एक्चुअली में ये आंसर सही नहीं था। इसका आंसर सही नहीं है क्योंकि इसने बोला टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब ये है कि आपको पता है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से चलता जा रहा है ए बी सी। कह रहे टॉप मोस्ट लेयर मतलब है कि बिल्कुल आप ये कह दो कि कोई ऊपर लेयर मानो ही मत, कि यहाँ पे ये लेयर है ही नहीं, यही रुक गया, बिल्कुल बस यही रुक गया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो अगर मैं ऐसा जानने की कोशिश करूं तो मैं एक बार जल्दी से बना के देख लेता हूं। मैं देखता हूं, मान लो आपके पास क्या था, आपके पास कुछ ऐसा था कि आपके पास पहले ये अरेंजमेंट्स थे, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक ट्राइंगल था, फिर आपके पास एक ट्राइंगल था, फिर आपके पास ये अरेंजमेंट थे, फिर आपके पास एक ट्राइंगल था, इस तरह से ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि आप ये मान लो कि इसके ऊपर है ही नहीं, इसके ऊपर अरेंजमेंट है ही नहीं, मान लो कि यहीं रुक गया। तो अभी बताओ जी, अभी इसका जो बीच वाला एटम है, मान लो किसी एटम को, इस एटम को पकड़ लो, ये एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसके नियरेस्ट एटम कितने होंगे। तो इसके नियरेस्ट एटम आपको कितने दिख रहे हैं, छह तो आपको ये दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, और तीन इसके नीचे दिख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नियरेस्ट नेबर कितना आएगा, नाइन आएगा। लेकिन अगर यही कंटिन्यूशन चलता रहता, ऊपर फिर से तीन की लेयर होती है, फिर से तीन की लेयर होती है, फिर से छह की लेयर होती, तो ऐसे में आप बोलते कि इस वाले एटम के आसपास क्या है, छह ये है, तीन नीचे है, तीन ऊपर है, तो 12 हो जाता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है अगर कंटिन्यूशन कंटिन्यूस लेयर में मान के चले तो। लेकिन ये कह रहा है कंटिन्यूस मानो ही मत, ये कह रहा है कि आप यहीं पर रुक जाओ, कहीं एक जगह पर रुक जाओ, चाहे इस पर रुक जाओ, चाहे इस पर रुक जाओ, चाहे इस पर रुक जाओ, किसी एक जगह पर रुक जाओ, मैं इस पर आके रुक गया। तो लेट्स से इस पे जैसे ही आके रुका तो वैसे ही इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो इसके आसपास कितने एटम्स हैं, इसके आसपास आपके पास छह एटम्स ये हैं, तीन एटम्स नीचे हैं, इसका नियरेस्ट नेबर कितना आएगा, इसका नियरेस्ट नेबर तो आपका 9 आएगा, 12 नहीं आएगा। लेकिन अगर यही कंटिन्यूशन मानोगे तो नियरेस्ट नेबर आपके पास 12 आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 12 आता है। लेकिन इसने टॉप मोस्ट लेयर बोला, इसलिए ये यहीं पर रुकना पड़ेगा मेरे को, और मैं बोलूंगा इसका 12 नहीं, इसके नियरेस्ट नेबर तो 9 आएंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सब बनाया था। मैं इसको फटाफट से जरा हटा देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए, और जगह होने के बाद फिर मैं आपको बाकी चीज़ें और चीज़ें बता सकूँ, देखिएगा। तो एक बार जगह होने के बाद मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, और चीज़ें किस किस चीज़ पर कमेंट कराने को कह रहा है आपसे। ये कमेंट करवा रहा है किस पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे, ए और आर के रिलेशनशिप पे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ एफसीसी का, तो एफसीसी का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, एफसीसी का सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे कि मान लो आपके पास एक एक एटम तो कहाँ होगा, एक एक एटम तो हर कॉर्नर पे होगा, तो एक एक एटम तो हर कॉर्नर पे बना दो। और एक एक एटम कहाँ है, एक एक एटम आपका हर फेस पे होगा, जैसे यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, पीछे वाले फेस पे एक एटम और सामने वाले फेस पे एक एटम। आपको अगर ए और आर का रिलेशनशिप पकड़ना होता है तो आप उस लाइन को पकड़ते हो जहाँ पे दो तीन एटम कम से कम एक दूसरे डायरेक्टली टच में हो। तो डायरेक्टली टच में एटम होने वाली लाइन कौन सी है, वो है ये डायगोनल। आपको ये डायगोनल पकड़ना होगा, तब जाके आपको पकड़ में आएगा कि रिलेशनशिप क्या है ए और आर का। तो अगर मैं इस वाले एटम, इस वाले लाइन को देखूं, तो ये क्या है, ये आपके पास क्या है, फेस डायगोनल है। ये फेस डायगोनल में आपको एक तो ये कॉर्नर वाला एटम दिखेगा, एक ये कॉर्नर वाला एटम दिखेगा,
और बीच में आपको ये वाला एटम दिखेगा, वो यहां दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, ये आपका फेस सेंटर है। अगर ऑब्वियसली अगर ये ए है, ये भी अगर ए है, तो ये जो आपका ये जो लाइन आ रही है वो लाइन क्या हो जाएगी, वो लाइन आपकी हो जाएगी रूट टू ए। इसका मतलब है ये जो रेडियस है, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ये तीसरा रेडियस और ये चौथा रेडियस, चार रेडियस मिलकर क्या बना रहे हैं, रूट टू ए बना रहे हैं। ये आपको पकड़ में आया। तो ए क्या होगा, ए होगा आपका फोर आर बाय रूट टू, दैट इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, टू रूट टू आर। तो आपसे ए और आर का रिलेशनशिप ही आपसे पूछ रहा था, ए और आर का रिलेशनशिप आपसे कह रहा था, क्या यही आ रहा है, कह रहा है द यूनिट सेल एज लेंथ इज टू रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस। तो बिल्कुल सही है, ये हमने निकाल के देखा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अभी चलते हैं सी ऑप्शन पे लट से। सी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी का जेड इफेक्टिव पता है, अगर आपको एफसीसी का जेड इफेक्टिव पता है, तो जेड इफेक्टिव के इक्वल होते हैं आपके क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड जानने हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा क्या होते हैं, टू इंटू जेड इफेक्टिव होते हैं, ये होता है, ठीक है जी। ये जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखा फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, ये किसके लिए होल्ड करता है, ये या तो एचसीपी के लिए होल्ड करता है या फिर एफसीसी के लिए होल्ड करता है, सबके लिए होल्ड नहीं करता है। आप इस बात को ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एफसीसी के लिए आप कह सकते हो और अपने हेक्सागनल क्लोज पैकिंग के लिए, मतलब एचसीपी के लिए आप ये बात कह सकते हो कि जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड है हमेशा टू इंटू जेड इफेक्टिव होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑलवेज इक्वल टू जेड इफेक्टिव होगा। आपको याद होगा कि एफसीसी का जेड इफेक्टिव कितना आता था, वो कुछ ऐसा आता था 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 ऐसा कुछ आता, जिससे आपका जेड इफेक्टिव 4 आ जाता था। इसका मतलब है कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने होंगे, यहाँ पे लिख दो क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड आपके 8 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके 4 होंगे। ये समझ में आया। अब आपसे क्या करें, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम इज 1:2। तो सही बात है, रेशियो के हिसाब से कह रहा है एक्चुअली, अगर रेशियो वाइज चलोगे तो 1:2 का ही रेशियो आएगा, 1:2 का रेशियो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो बी कह रहा है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे निकालते थे कि मैं आपसे बोलूं कि टोटल वॉल्यूम नीचे डिवीजन में रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जेड इफेक्टिव होता है 4, 4/3 पाई आर क्यूब अगर मैं इसका कर दूं यहाँ पे और नीचे ए क्यूब से डिवाइड कर दूं और इंटू 100 कर दूं, तो ऐसा करने से मेरे पास परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि मेरे को देखो एक ये भी रिलेशनशिप पता है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ए की जगह पे 2√2r लिख दूं, 2√2r लिख दूं, तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, सिर्फ पाई की टर्म्स में आपके पास कुछ न्यूमरल वैल्यू रह जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, वो आएगा 5/3√2 × 100, दिस विल कमिंग आउट टू बी कितना, 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, 74% आएगा। बहुत फेमस बात है, आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी का कितना होता है, 74% होता है, एचसीपी का भी इतना ही होता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब कि आपके कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये तीन ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको काफी बार कंफ्यूज करता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, लेकिन ये एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे लास्ट लेयर। मान लो ये अज्यूम करो कि कंटिन्यूशन में नहीं है, सबसे ऊपर वाले लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो सबसे ऊपर वाले लेयर का अगर बताओगे तो आप किस पे पहुंचोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 पे पहुंचोगे, नियरेस्ट नेबर 9 आएंगे, 12 नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट है वो है बी सी और डी। ओके, सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा। थैंक यू।